नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज दिव्या होम्यो केयर चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें होम्योपैथी की एक बहुत ही इफेक्टेड दवा आर्सेनिक एल्बम के बारे में आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण उसका जो लक्षण है वो आप लोग को हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्सेनिक एल्ब होम्योपैथी की एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस औषधि का प्रयोग करने से पहले जिन लक्षणों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जो किसी भी बीमारी में अगर ये लक्षण मिले तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टेड होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं। तो आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग करते समय हम लोग को बेचैनी, घबराहट और जलन, ये इस औषधि का सबसे प्रधान लक्षण माना गया है। इसके जो रोगी होते हैं, आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा बेचैनी होता है। अर्थात उनमें इतनी बेचैनी होता है कि वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं। वो हमेशा मुसन करते हैं, एक बेड से दूसरे बेड, या बेड पर न तो सही से सोते हैं, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं, यानी उनमें काफी बेचैनी फील होता है। बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं किसी बात को लेकर के, उनमें घबराहट भी बहुत ज्यादा होता है, और उनमें जलन यानी बर्निंग बहुत ज्यादा होता है। बर्निंग पेन हो, चाहे जो भी बीमारी हो, उसमें जलन यानी शारीरिक में जो आंतरिक दाह होता है, आंतरिक जलन उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंतरिक जो जलन होता है, और उसमें भी इस जलन में एक खास लक्षण ये होता है कि जलन के बावजूद इनके जो पेशेंट होते हैं उनमें गर्म प्रयोग से वो घटता है, और ठंडा प्रयोग से कोई भी बीमारी का बढ़ना इस रोग का सबसे प्रधान लक्षण माना गया है। ठीक है, तो जैसे बर्निंग जो होता है, जो जलन जो होता है, उसको जर्म यानी गर्म प्रयोग से वो व्यक्ति फिर भी गर्म चीज लेना चाहता है, जैसे गर्म कॉफी हो गया, गर्म चाय हो गया, या गर्म पानी पीना पसंद करता है, या गर्म पानी का शेक से जो है उसको आराम मिलता है। तो ये इसकी सबसे प्रधान लक्षण माना जाता है। या गर्मी से रोगों का जो है रोग कमते हैं, और ठंडे प्रयोग से जो है आपको कोई भी बीमारी बढ़ता है। इसके साथ ही साथ इसमें प्यास, इसकी प्यास जो होता है, आर्सेनिक एल्बम के जो रोगी होती हैं उसमें प्यास बहुत ज्यादा होता है। बट उसमें क्या होता है कि प्यास अधिक होने के बावजूद भी उनमें जो पानी जो पीते हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, और यानी थोड़ा थोड़ा देर के बाद जो है थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। प्यास उनको बहुत ज्यादा लगता है, कंठ सूखता है, जिसके कारण वो पानी पीते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। जैसे ग्लास से लिए तो दो चार घुट लिए, फिर रख दिए, फिर थोड़ा देर के बाद दो चार घुट लिए रख दिए। तो ये जो है आपको माने प्यास भी देखना है कि जिस भी रोगी रोग में अगर प्यास लगता हो और उसमें घबराहट हो और मृत्यु भय हो, यानी पेशेंट बहुत ज्यादा घबराता है, उसमें फियर ऑफ डेथ, इस जो औषधि है इसकी प्रधान लक्षण मानी जाती है। तो मृत्यु मृत्यु का भय होता है, लगता है रोगी को कि अब हम नहीं बचेंगे, अब दवाई खाने से कोई फायदा नहीं होगा, या कोई इलाज करने से हमको फायदा नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में आर्सेनिक एल्बम जो है आपको अमृत के समान, किसी भी बीमारी में अमृत के समान यह औषधि आपको काम करती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो इनका जो पेशेंट होते हैं, आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होते हैं, उनमें साफ सफाई पर वो विशेष ध्यान देते हैं, यानी उनको साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद होता है, और वह अपने आसपास में किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को सिस्टमेटिक देखना चाहते हैं, यानी उसको इधर उधर बिखरा हुआ अगर होता है तो वह
जो इनके जो पेशेंट होते हैं वो लाइक नहीं करते हैं, यानी वो हमेशा चाहते हैं कि उनका जो भी आसपास के चीजें हो वह व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो इसके प्रधान लक्षण हैं, जो इसके जो उपयोग है, कुछ हम आपको डिजीज बता देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको फीवर है, तो फीवर है तो इसके जो फीवर होते हैं इसमें आंतरिक दाह यानी शरीर में जलन होगा, थोड़ा थोड़ा प्यास लगेगा, और जो बीमारी बढ़ता है, जो अक्सर देखिए कि 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात्रि के बाद जो है रोगों का बढ़ना, ठीक है, इस रोग इस औषधि की प्रधान लक्षण मानी जाती है। उसी प्रकार जो है अगर सर्दी है, तो सर्दी में इसका जो आर्सेनिक एल्बम की जो सर्दी होता है उसमें नाक से पानी गिरता है, छींके बार बार छींके होता है, एक छींके के बाद दूसरा छींके जो है शुरू हो जाता है और आंख जो है लाल हो जाता है, और इसमें जो छींक होता है और आंख से जो पानी गिरता है या नाक से पानी जो गिरता है उसमें जलन करने वाली होती है, उसमें साथ साथ जलन होता है, उसके जो भी आपको जो तरल होगा वो जहाँ भी लगता है वहाँ पर आपको बर्निंग फील होगा, जलन महसूस होता है। तो उस परिस्थिति में आप आर्सेनिक एल्ब जो है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें गले में खराश होगा और ठंडा पानी लेने पर जो है और रोगों का बढ़ जाना, और गर्म प्रयोग से बीमारी का काफी हद तक के आपको आराम महसूस होता है। तो ये जो है आर्सेनिक एल्ब जो है बहुत ही इफेक्टिव औषधि होता है। साथ ही साथ इसमें आपको सर दर्द भी होता है। तो ये सारे के सारे लक्षण में यह औषधि बहुत ही इफेक्टेड है। हम अपने जो क्लिनिक में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और अतिसार जो दस्त होता है डायरिया, तो उसमें जब अगर आपको किसी व्यक्ति को डायरिया है और वो बहुत ज़्यादा विकराल हो गया है, जिसमें कि आपको दस्त जो है बार बार दस्त होता है और उसमें आपको दस्त जो है वह चावल के धोए हुए पानी के समान अगर दस्त होता है, उसके साथ साथ वीकनेस यानी कमजोरी, जो भी दस्त होगा दस्त के बाद बहुत ज़्यादा आप में अगर वीकनेस है, उसमें बेचैनी है, प्यास अधिक है, और पानी प्यास अधिक होता है जब भी पानी पीता है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि पानी पीते ही वो व्यक्ति जो पानी पीने के बाद तुरंत उसमें वोमिटिंग होता है और पेट में दर्द होता है। तो ये आर्सेनिक का जो है महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है कि अगर पानी पीने के बाद और पेट में दर्द होता है और बार बार दस्त होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है, और पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करता है, कमजोरी महसूस होता है, तो वैसे रोगी में 2 से 3 बूंद आर्सेनिक एल्ब देने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसके साथ अगर एक्जिमा है या अगर आपको कोई शरीर पर किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट पर अगर इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, तो उसमें भी अगर खुजली हो रहा है और जो खुजलाने के समय बहुत अच्छा लगता है, उस समय आप खुजलाते हैं, लेकिन ये आपको जैसे ही फील होता है खुजलाने के बाद उसमें बहुत जलन होता है, तो इसलिए जो है उसमें जलन होगा, और खास करके जो बीमारी जो भी होता है गर्मी से बढ़ता है उसमें, तो उस परिस्थिति में आपको आर्सेनिक एल्ब जो है बहुत ही इफेक्टेड काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ आपको रक्त अतिसार है, अगर मान लेते हैं कि शरीर के किसी भी भाग से अगर रक्त आ रहा है, रक्त का सराव हो रहा है, तो उसमें भी आर्सेनिक एल्ब बहुत ही इफेक्टेड होता है। या फिर अर्थराइटिस के केस में, जैसे अगर आपको जोरों में दर्द है और उस जोरों में दर्द है, दर्द में खास करके इन्फ्लेशन यानी उसमें आपको सूजन है, और सूजन के साथ उसमें अगर जलन है और जलन के साथ दर्द है, और वो जलन अगर आपको गर्म प्रयोग से अगर वह घटता है, तो गर्म प्रयोग से अगर घटता है तो उस परिस्थिति में, और ठंडा से बढ़ता है, तो उसमें आर्सेनिक एल्ब जो है बहुत ही इफेक्टेड दवा है, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग करके आप लोग लाभ ले सकते हैं, और इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए अगर आप लोग को कहीं भी अगर कोई सलाह की ज़रूरत है, तो आप मेरे जो चैनल है उस चैनल के माध्यम से कमेंट्स करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो आप लोग
देख करके आप इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आप लोग के लिए कुछ और मेडिसिन के बारे में बताते रहेंगे। तो धन्यवाद।